दोस्तों नमस्कार, मैं धीरज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। कस्टम ड्यूटी के नाम पे बहुत सा फ्रॉड हो रहा है और ख़ास करके ये पढ़े लिखे लोगों के साथ हो रहा है, और बहुत ही अच्छे लेवल पे जो लड़कियां काम कर रही हैं और मैट्रिमोनियल के द्वारा ये फ्रॉड हो रहा है। तो दोस्तों इसी के सिलसिले में मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें जिनके साथ ये घटना हुआ है ये आप उनका वीडियो पहले सुन लीजिए, फिर मैं इस पूरे वाक्य को ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि ऐसे फ्रॉड से हम अपने सिस्टर्स को बचा सकें। क्योंकि ये जो स्कैमर हैं ये टारगेट करते हैं, पूरी अच्छे से पहले जान लेते हैं कि वो कहाँ जॉब कर रही हैं, कितनी सैलरी है उनकी, और ये पूरे स्कैम को कैसे अंजाम दिया जाता है मैं वो भी बताने वाला हूँ। और कस्टम भी इससे परेशान हैं और कहाँ से आप इसको सही से जांच सकते हैं और इसकी क्या पूरी प्रक्रिया है बचने की, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। पहले जिनके साथ ये स्कैम हुआ है आप ये उनका वीडियो देखिए। तो ये रहा उनका वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम कीम रोमेश भाई शाह है और मैं 38 इयर्स की हूँ। मैं अहमदाबाद से हूँ और मैं एक मेजर आउटसोर्सिंग कंपनी में काम करती हूँ। मेरे साथ 184,800 इंडियन रुपीज का मैट्रिमोनियल फ्रॉड यानी कि ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड कुरियर डिलीवरी स्कैम के द्वारा हुआ है। और मुझे इसमें जो मैट्रिमोनियल कंपनी है यानी कि भारत मैट्रिमोनी, वो मुझे कुछ भी कोऑपरेट नहीं कर रही है। मैंने भारत मैट्रिमोनी में बहुत कॉल किए लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मुझे ये भी कहना है कि मेरे साथ जो हुआ है वो फ्रॉड और कोई लड़की या और कोई सिस्टर के साथ ना हो, इसके लिए मैं ये अपील करती हूँ कि आप प्लीज़, अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो आप प्लीज़ पुलिस कंप्लेन कीजिए। धीरज जी जो ये यूट्यूब चैनल के ओनर हैं, इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है अपनी बात प्रेजेंट करने के लिए, और उसके लिए मैं थैंक यू और धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं ये बात कहने के लिए जैसे आगे आई हूँ, वैसे अगर किसी के साथ ऐसा कुरियर डिलीवरी स्कैम हुआ है तो प्लीज़ आप अपनी बात कहने से हेजिटेट मत कीजिए और प्लीज़ पुलिस कंप्लेंट कीजिए। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैंने अपना ईमेल एड्रेस और फेसबुक आईडी नीचे छोड़ा हुआ है, आपको अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मुझे ईमेल कीजिए और मेरे फेसबुक मैसेंजर पे मुझे मैसेज कीजिए। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू फॉर एब्सोल्युटली फ्री। थैंक यू। जय भारत। तो जिस तरह से ये परेशान है, देखिए जिस तरह से इन्होंने मैट्रिमोनियल का नाम लिया, बिल्कुल ये मतलब बहुत प्लान्ड तरीके से किया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो स्कैम है कोई छोटा मोटा नहीं है, हजारों करोड़ रुपए का होता है। और कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं होने के कारण हमारी बहन बेटियों को स्कैम में फंसाया जाता है और उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। और नॉलेज ना होने के कारण कस्टम ड्यूटी के नाम पे कि आपका पार्सल विदेश से आया है और आपको कस्टम ड्यूटी पे करना है, और ये इस तरह से होता है जैसा कि आपने शाह जी का आप वीडियो देखा है। देखिए मैं अब ये वीडियो बनाना, मेरा सबसे पहला वीडियो देखेंगे तो इसी के ऊपर वीडियो है, और लगभग 600 लोगों ने कमेंट किया है, 600 लोग को और 85,000 लोगों ने देखा है ये वीडियो, और मैंने 85,000 लोगों तक अपनी बात पहुंचाई और वही वीडियो देख करके ये मुस्तक आई हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जब फ्रॉड उनके साथ हो जाता है तब वो हमारे पास पहुंचती हैं, तो उससे पहले अगर हम उनको ये नॉलेज दे दें कि स्कैम जो है, जो कस्टम ड्यूटी के लिए कभी भी कस्टम अधिकारी आपको कभी भी कॉल नहीं करते हैं। हालांकि कस्टम का जो वेबसाइट है, मैं अभी दिल्ली में बैठा हूँ, हमारा ऑफिस दिल्ली में है, तो www.delhicustoms.gov.in जैसा कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, अगर इस साइट पे जाएंगे और जब स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे एक बड़ा सा मैसेज आ रहा है, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम फ्रॉड। तो फ्रॉड से बचने के लिए क्या क्या करना है, आप उसमें क्या सावधानी है फ्रॉड से बचने के लिए दिया हुआ है। क्योंकि देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कस्टम अधिकारी आपको कस्टम ड्यूटी के लिए ईमेल और फ़ोन करके पैसे मांगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी भी कोई भी कस्टम अधिकारी आपको फ़ोन कॉल नहीं करते हैं, कभी भी कोई ईमेल आपको नहीं डालते हैं, कभी भी वो आपसे पैसे के लिए कोई मतलब डिमांड नहीं करते हैं इंडिविजुअल अकाउंट में। और वैसे भी आप
आपसे कस्टम ड्यूटी अगर ली जाएगी तो वो कस्टम का एक पर्सनल अकाउंट है जो कि ऑनलाइन जमा होता है, जो कि हम लोग करते हैं। और यदि कोई कूरियर के द्वारा सामान आता है तो कूरियर कंपनी जमा करेगा, ना कि आपको करना है, आपको डिलीवरी के टाइम कूरियर कंपनी को देना होता है। तो कस्टम भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। और मैं ये वीडियो बनाने से पहले मैंने ये प्रिक्योर किया कि हाँ, इनके साथ ये ऐसा हुआ है और सच में इन्होंने, ये देखिए ये कंप्लेन की कॉपी है जिसमें इन्होंने जाके FIR कराया है। और FIR कराने के बाद में मैंने इनको बोला है कि मैं वीडियो बनाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप पुलिस अधिकारी से बात कर ले। तो पुलिस अधिकारी ने उनको परमिशन दिया है कि हाँ, ये आप वीडियो बनवाइए, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये दोस्तों बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है और हमें बहुत खेद है कि हाँ, आज हमारे बहन बेटियों के साथ कुछ लोग जो हैं वो इतने बड़े स्कैम का अंजाम करते हैं। मैं अगर इनकी बात करूं तो देखिए इनका एज क्या है, क्या मतलब ये शादी के लिए मैट्रिमोनियल पे रजिस्टर्ड करती हैं, उसके बाद से पूरा खेल ये शुरू होता है। तो क्या इसमें पूरा का पूरा मैट्रिमोनियल का हाथ होता है? दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कॉल सेंटर चलाया जाता है, तो ठीक जिस तरह से विदेशी कॉल सेंटर इंडिया में होते हैं ना, ठीक उसी तरह से मैट्रिमोनियल्स के कॉल सेंटर विदेश में बैठे हुए हैं, जो वहाँ के लड़के क्या हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी, जैसा कि ये फोटो देख रहे हैं, अपने आप को वो विडो बताएंगे। अगर वो कोई लड़की ने प्रोफाइल डाला है तो अपने आप को विदेश का विडो बताएंगे, अपने एक लड़की या लड़के के बारे में बताएंगे। जैसा कि इस वीडियो में ये फोटो देखिए, ये जो पर्सन है ये अपने आप को एक डॉक्टर बताता है और ये बोलता है कि इसकी एक बेटी है। और ये सिर्फ इसी का कहानी नहीं है, हजारों फ्रॉड होते हैं, पर डे हो रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे कॉल्स हमारे पास आते हैं कि सर बचा लीजिए, पैसे चले गए हैं। लेकिन मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, FIR कीजिए, FIR करने के बाद ही मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, विदाउट FIR का नहीं बनाऊंगा। क्योंकि यदि आपको अपना पैसा वापस लेने में अगर आपकी ही चाहत नहीं होगी तो मैं उसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। तो अभी इन्होंने FIR करा के मुझे दिया है पूरे स्टोरी का, मैंने इस चीज को समझा है। देखिए फ्रॉड से पैसा रिकवर करना बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। FIR कराइए, हर बैंक अकाउंट का IFSC कोड होता है। अब पहले स्टोरी समझ लीजिए कि जैसा ये आदमी अपने आप को डॉक्टर बताएगा या मैरीन का इंजीनियर बताएगा या कोई बला बला बहुत बड़ा अधिकारी बताएगा और बताएगा कि वो भी डिवोर्सी है। और अब आप जब उसके बड़े बैंक बंगलो और बड़ा कार और डॉक्टर देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं क्या है कि एक बातचीत शुरू हो जाती है। और बातचीत शुरू होने के बाद में सबके मन में ये होता है कि जाहिर सी बात है हम विदेश में सेटल हो जाए, हमारी शादी अच्छी जगह पर हो जाए। और ये कोई सोचना गलत नहीं है, पर उनको फ्रॉड से हम कैसे बचाए ये नॉलेज उनको देना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को हर उन बहनों तक पहुंचाएं जो मैट्रिमोनियल में रजिस्टर्ड करके इस तरह का शिकार होती है। मैट्रिमोनियल हो गया या फेसबुक सोशल मीडिया के थ्रू हो गया या इंस्टाग्राम या बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू आजकल ये स्कैम हो रहा है। तो इनसे बचने के लिए क्या है कि प्रॉपर नॉलेज होगा। कभी भी कस्टम के साइट पे जाके आप देख सकते हैं कि कस्टम आपसे कभी भी पर्सनल इंडिविजुअल अकाउंट में कभी भी पैसा नहीं मांगता है। तो ये एक बचने का तरीका है। दूसरा, यदि आप कर चुके हैं ठीक है तो आप FIR कराइए। FIR कराने के बाद पैसा हर इंडियन अकाउंट में जाता है, IFSC कोड होता है, नाम होता है। हमेशा आप जो FIR कराइए आप उस आदमी के नाम पे कराइए जिसके नाम पे आपने पैसा डिपॉजिट किया है, उसमें IFSC कोड है, उसका अकाउंट है, उसका नाम है। तो उसके ऊपर यदि आप FIR कराते हैं तो एक सोल्यूशन निकलेगा। देखिए IFSC कोड से क्या होता है कि बैंक अकाउंट का ब्रांच का पता चल जाएगा। आजकल बैंक ब्रांच का नंबर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, उस ब्रांच में आप कॉल कीजिए, आप पुलिस से कॉल करवाइए, खुद कॉल कीजिए, उसको FIR की कॉपी भेजिए। वो क्या करेंगे, उस आदमी का नंबर जो एग्जैक्ट नंबर होगा उसमें पब्लिश होता है। एट ए टाइम पे क्या होगा, वो अकाउंट ब्लॉक कर देंगे बैंक मैनेजर, और ब्लॉक करके उस आदमी को बुलाएंगे कि क्या ये पैसा किस तरह से आया, और पूछताछ होगी और उसमें वो पकड़ा जाएगा और फिर वो पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है। यदि आप सबसे पहले FIR नहीं कराएंगे तो ध्यान रखिए, FIR यदि नहीं कराते हैं तो सबसे वो वैलिड ही नहीं होगा केस और कोई भी बैंक मैनेजर आपका हेल्प नहीं करेगा। लेकिन यदि FIR हो चुका है तो बैंक मैनेजर हेल्प करेंगे आपका और वो अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे। दोस्तों
देखिए इसमें फंसते कैसे चले जाते हैं जो भी हमारी बहनें हैं, होता क्या है, पहले कोई वो बोलता है कि ठीक है जी, पहले अब इस तरह का डॉक्टर और उसके बच्चे की स्टोरी सुन के इमोशनली कहीं ना कहीं अटैच हो जाते हैं, और इमोशनली कह लीजिए या जैसे भी कह लीजिए, बड़ा घर या बड़ी गाड़ी और बड़ा डेजिनेशन देख करके वो इम्प्रेस हो जाती हैं, और उसके बाद क्या होता है, ये स्कैम चालू होता है। वो पार्सल के नाम पर क्या होता है, उसी मैट्रिमोनियल के लोग कहीं ना कहीं जो उनसे जुड़े हुए हैं वो उनसे फ़ोन करते हैं, बोलते हैं जी आपका पार्सल आ गया है, और आपको सबसे पहला जो खेल शुरू होगा 10, 15, और 20 हज़ार से शुरू होगा दोस्तों। जब वो आप कस्टम ड्यूटी के नाम पे आप 20,000 या 15-10,000 कुछ दे देंगी, उसके बाद आपको एक वीडियो भेजा जाएगा, जो वीडियो इस तरह का होगा कुछ, वो वीडियो वो नहीं भेजेगा, वो जो आपका जो ये डॉक्टर है जो विदेश में बैठा हुआ है, जो जो आपका मतलब सो कॉल्ड हस्बैंड बनने वाला है, वो भेजेगा कि देखो मैंने तुम्हारे पार्सल में डॉलर भी डाला है, गोल्ड भी डाला है, फोन भी डाला है, मतलब ब्रांडेड गुच्ची का सामान डाला है। तो ये सब देख करके आपको क्या लगेगा, चलो 25,000 कुछ भी नहीं है, आप 25,000 रुपये दे देंगी। जो कुरियर एजेंट है, जो उन्हीं का आदमी होता है, जो उनसे साठ गांठ होता है, वो आपको बोलेंगे कि नहीं 25,000 रुपए में तो नहीं होगा, हमने पैकेट जी आपने तो बताया नहीं, उसमें तो जी गोल्ड भी है, अब गोल्ड है तो जी आपको 1,00,000 रुपए और देने होंगे। उसके बाद क्या होता है कि आप कहीं से देख के, क्योंकि आपको पता है पहले वीडियो आपके पास आ चुका है, तो आप क्या सोचेंगे कि चलो गोल्ड भी है उसमें, बहुत सारा गोल्ड है, तो हम क्या करते हैं कहीं से 1,00,000 रुपए, अगर नहीं भी है तो 50,000, 60,000 कुछ भी आप जमा करके उस बैंक अकाउंट में डाल देती हैं। जब आप 70,000-80,000 रुपए उसके अकाउंट में डाल देती हैं, तो फिर उनका फोन आएगा, नहीं जी इसमें तो डॉलर भी है, और हमने जी पैकेट फाड़ के देखा है उसमें बहुत सारा डॉलर है। अब आप क्या सोचती हैं कि यार सच में डॉलर भेजा हुआ है, इसको भी पता है, मतलब कुरियर में डॉलर भी है, और वो फिर बोलेंगे कि जी देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का सर्टिफिकेट बनेगा, और वो फिर हम आपको डिलीवर कर देंगे जी 4 दिन के अंदर में, 3,00,000 रुपए चाहिए। मतलब इस तरह से करके जितना भी आपके पास सेविंग है या जितने आप आस पड़ोस से ले सकती हैं, वो सब आपसे उस अकाउंट में जमा करा लेंगे, और ये ऐसा चीज है कि वो आपको बोल देंगे कि किसी को आप बताइएगा नहीं। उस चक्कर में क्या होगा कि आप किसी को बताएंगी भी नहीं, और धीरे धीरे करके जितना भी पैसा होगा आप उसमें जमा करती जाएंगी। तो ये ध्यान रहे कि ऐसा कोई भी पार्सल और कुरियर आता ही नहीं है, ये सब कहीं ना कहीं मैट्रिमोनियल के एजेंट होते हैं, जो एक जो विदेश में बैठे हुए हैं जो या जो इंडिया में ही बैठ के आपके साथ चीट कर रहे हैं। और ये जो नंबर्स होते हैं ना जो दोस्तों, ये यूके का नंबर, ये ऐप के थ्रू ये नंबर मिलता है, जिसके कारण आप लोग बिलीव कर लेती हैं, और उनका हो सकता है जिसका ये फोटो और ये लड़की का फोटो है ना, वो आदमी हो भी ना, उसका एक रिकॉर्डेड वीडियो रखते हैं 2-4 मिनट का, क्योंकि उनका लैंग्वेज और वो ज्यादातर आप फोन पे चैट इंग्लिश में करती हैं, तो आपको लगता है कि जेन्युइन है। अगर आप वीडियो कॉल भी करेंगी तो एक वीडियो के जरिए वो आपको हाय, हेलो और बस यस, ये 3 चीज का उसका 10-5 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड होता है, और वही वीडियो वो चला के आपको बता देंगे कि हाँ जी जेन्युइन है, और उसके बाद में उस मैट्रिमोनियल के साइट के थ्रू आपको मिला होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये जेन्युइन ही होगा। बट ये सब कहीं ना कहीं इनमें मैट्रिमोनियल का बहुत बड़ा हाथ होता है दोस्तों, इसका मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, इसका गहन जांच होना चाहिए। और आप बिलीव कीजिए, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, और इसमें यदि मैं सर्च करूँ, मैं कस्टम फ्रॉड विक्टिम के नाम से मैं सेव करता हूँ नंबर, ये इतना लंबा लिस्ट है ना कि मैं इसको कितना भी स्क्रॉल कर लूँ ख़त्म नहीं होता। मतलब आप ये लगा लीजिए कि कम से कम 500 से ऊपर नंबर मेरे फ़ोन में सेव होंगे जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है दोस्तों। ये बहुत बड़ा स्कैम है, इससे हमें अपने बहन बेटियों को बचाना पड़ेगा। कैसे बचेंगी, अगर उनके पास ये नॉलेज होगा कि ऐसा कोई कुरियर नहीं आता है, और अगर ऐसा कुछ कुरियर आता है तो जो कुरियर आपको कॉल कर रहा है, आप बोलिए कि मैं एयरपोर्ट पे आ जाती हूँ, बेशक आप झूठ ही बोलिए कि मैं एयरपोर्ट पे आ जाती हूँ, आप मुझे पहले पार्सल दिखा दो, जितना भी होगा फी हम भर देंगे। अगर कोई भी चीज़ प्रोडक्ट इंपोर्ट आता है और आप उसको पहले देखना चाहती हैं, या आपका कोई आदमी देखना चाहता है, तो ऐसा पॉसिबल है, आप उसको पहले देख सकती हैं, उसके बाद आप उस पर कस्टम ड्यूटी भरें, और ये जेन्युइन है तब मैं बता रहा हूँ, बट 99% ये सब फ्रॉड होता है। तो कृपया किसी भी इंडिविजुअल अकाउंट में आप पैसे ना दें। जिस तरह से आज ये बहन परेशान हो रही है, हम नहीं चाहते कि कोई और भी बहन परेशान हो। कस्टम भी
इसके चक्कर में बहुत ज्यादा परेशान है। कस्टम अधिकारी खुद परेशान, इतना परेशान है कि उनको आधिकारिक वेबसाइट पे ये लिखना पड़ रहा है कि ये जो है फ्रॉड आजकल हो रहा है और इससे हमें लोगों को बचाना है। तो यदि आप तरीके से अप्रोच करेंगे तो आपका पैसा रिटर्न मिल जाएगा और आप लोगों को जागरूक भी कर सकती हैं। अगर आप नहीं करेंगी, 90% क्या होती है, लड़कियां कहती है कि नहीं मेरे घर में माँ बाप जान जाएंगे तो वो मेरे ऊपर ही ब्लेम करेंगे, मेरा भाई जान जाएगा, मेरा फादर जान जाएगा। तो प्लीज़ आप इस तरह का बिल्कुल भी ना सोचें। यदि आपके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है तो मैं किम शाह जी का ईमेल आईडी फेसबुक प्रोफाइल दे रहा हूँ। आप जितनी भी लड़कियाँ हैं आपस में एकजुट होइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ज़रूर होगी। कई लोगों को मैं पैसा वापस दिला चुका हूं दोस्तों। अब जब बैंक तक हम लोग पहुंचते हैं तो कई बार उसका जेन्युइन नंबर मिल जाता है जो फ्रॉडस्टर है, और उस फ्रॉडस्टर से पैसे हमने वापस कई बार लिए हुए हैं दोस्तों। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होता है जब आप FIR कराते हैं। कई बार बच्चे अपने माँ के गहने बेच करके पैसे दे देते हैं, कई बार FD तोड़ के पैसे दे देते हैं। तो ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, क्योंकि आज के टाइम में कोई फ्री में आपको 1 रुपये नहीं देने वाला है। तो इस तरह के गोल्ड, डॉलर, ये सब आपके लिए कोई भेज देगा ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो कृपया सतर्क रखें और इस मुहिम में आपका साथ बहुत जरूरी है। मेरे वीडियो को लाइक करें और हर सिस्टर तक मेरा वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको हम बचा सके ऐसे स्कैम से। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।